वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना और वेंटिलेटर की क्रियाशीलता की समीक्षा की। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने कहा कि गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों के गेहूं को 100% क्रय किया जाए। बरसात का महीना शुरू हो गया है। गो आश्रय स्थलों में रह रहे पशुओं को चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे पशुओं को गौ सेवक सही समय पर चारा दे सके। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सबक लेते हुए प्रदेश में 533 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रस्तावित है, जिसमें 102 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। बाकी प्लांटों को लगाने के लिए संबंधित अधिकारी बराबर निगरानी करते हुए ऑक्सीजन प्लांट को लगाएं, जिससे संभावित कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटा जा सके। एक तो जो गेहूं के केंद्र में जो इक्विपमेंट बना है उसकी कल लास्ट डेट है। 22 तारीख को ये डेवलपमेंट सेंटर बंद होने हैं। अभी भी कई जिलों में ये खबर है कि वहां पे एक हफ्ते पहले का गेहूं रखा हुआ है जो लिया नहीं गया या किसी वजह से लिया नहीं जा सका। ये डेवलपमेंट शुरू कर लें कि अब जितना गेहूं अभी पड़ा हुआ है किसानों का वो कल तक प्रक्रिय हो जाए, उसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। बात में अभी भी समाचार पत्रों में भी आता रहता है कि किसी किसान का पड़ा लिया नहीं गया है, तो ये कल तक इसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। दूसरी बात, क्योंकि पानी लगातार बरस रहा है, गोवंश संरक्षण स्थलों के बारे में भी गंदगी की कीचड़ हो जाने की या भूसा चढ़ा न होने की या कुछ गोवंश के मृत्यु होने की भी शिकायतें आ रही हैं, इन जिलों को हमने यहाँ से भेजा भी है। ये इंश्योर कर लें क्योंकि लगातार इसमें ये चीज नहीं आनी चाहिए कि गोवंश कोई या कोई भी पशु नजर हो जाए और उसको फिर चील कबूल उसको दूसरे। ये जब दृश्य आते हैं समाचार पत्रों में तो वरिष्ठ स्तर पर भी जिम्मेदारी होगी इसमें, ये जरूर इंश्योर कर लें गोवंश संरक्षण स्थल प्रॉपरली मेंटेन हो। और गोवंश जो है अब चूंकि कई जगह बुआई हुई होगी, रुपाई का भी टाइम आ जाएगा, वो तो कहीं कोई खेती को नुकसान ना। ऑक्सीजन प्लांट के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये स्वास्थ्य भी आपको बताएंगे, डिफरेंट प्रोडक्शन से अभी एम्स दिल्ली के डायरेक्टर ने प्रोडक्शन किया था कि एक वीक में थर्ड वेव आ सकती है। और थर्ड वेव ये तो ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आनी ही है, उसके लिए तैयारी हमें पूरी करनी है। थर्ड वेव के पहले क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आपने देखा था कि जो सेकेंड वेव आई थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या एक सामने आई थी, तो इतनी बड़ी संख्या में 533 प्लांट हमारे प्रदेश में सैंक्शन हुए हैं, जिनमें से 102 प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। जो प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं वहाँ पे भी स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था कर रहा है कि वहाँ ऑपरेटर या टेक्नीशियन भी ट्रेन रहे ताकि ये ना हो कि चलाने में दिक्कत आए या कोई छोटी मोटी खराबी की वजह से प्लांट चले नहीं। ये इंश्योर जरूर कर लें कि जो प्लांट चले हैं वो चलते रहें। उसमें मैं सीधे कुछ मंडल जो कि टाइमलाइन से काफ़ी पीछे हैं उनसे जरूर कहना चाहता हूँ, इसमें डेली मॉनिटरिंग बाई कमिश्नर्स एंड डीएम्स एक वीक का मतलब होना है। ऐसा तो नहीं कि मेंटर केवल आपको ठोकरा आश्वासन दे रहा है,
तो मैं मंडलायुक्त का भी खासतौर से मैं पूछना चाहूंगा, जहां पे अभी गैप है, खासतौर से 9 प्लांट आपके क्रियाशील होने हैं 23 जून तक, अभी तक 5 हो गए हैं। नमस्ते सर, अनिल बोल रहा हूँ सर, कमिश्नर बस्ती। हाँ, सर आगे सर 2 बस्ती में सर, 1 दशा कबीर नगर में और 4 सिद्धार्थ नगर में सर, 2 बाकी है सर, 1 बस्ती का बाकी है सर, 1 सिद्धार्थ नगर का बाकी है और है सर, तो कल तक उसके सिद्धार्थ नगर आ जाने की संभावना है सर। इसको वॉच करिए, देखिए इसमें स्लिपेज नहीं होना चाहिए।